नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय 12 के YouTube चैनल पर स्वागत है। बीए भाग द्वितीय के पेपर टू में भारतीय राजव्यवस्था में पिछली वीडियो में हमने कार्यपालिका को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम राष्ट्रपति देख रहे थे और राष्ट्रपति में हमने राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया था। आज की वीडियो में हम जो भारत का राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन से संबंधित एक विवाद है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन पद्धति संबंधी विवाद। क्या विवाद है वो हम देखते हैं। निर्वाचन पद्धति संबंधी विवाद यही है कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय कुछ संविधान के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उस समय ये बात रखी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में हम जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पद्धति अपना रहे हैं उनके अनुसार यह पद्धति क्या है, राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अलोकतांत्रिक पद्धति है। और उनका साथ ये भी मानना था कि राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष की जगह क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का क्या करे, निर्वाचन करे। अब उस समय हमने यानी हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति की जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को चुना। तो उसके पीछे क्या कारण थे कि क्यों उन्होंने अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को चुना, तो उसमें हम दो कारणों को हम देख लेते हैं, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाए जाने के पीछे क्या कारण थे। तो पहला कारण तो यही था कि जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो पद्धति अपनाई है वह हमारी जो संसदीय व्यवस्था से क्या है, मेल खाती है। कैसे मेल खाती है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संसदीय व्यवस्था में दो कार्यपालिका प्रधान होते हैं, एक तो होता है नाम मात्र का और दूसरा होता है वास्तविक। तो वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री प्लस उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक प्रधान है, जबकि कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक, इसलिए हमको राष्ट्रपति को क्या बनाना था, नाम मात्र का प्रधान बनाना था, इसलिए हमने इसके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया। अगर हम इसके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाते, जिस प्रकार से प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के द्वारा हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का निर्वाचन करते हैं तो राष्ट्रपति को भी हमको उतनी ही शक्तियाँ देनी पड़ती। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति के द्वारा उनका चुनाव करवाते और उसके बाद में उनको नाम मात्र का प्रधान बनाते, नाम मात्र का शासन प्रमुख बनाते, तो ये न तो व्यवहारिक था और दूसरा अगर ऐसा करते भी तो एक तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। तो एक तो इस वजह से हमने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया। दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाने का दूसरा कारण था वो ये था कि अगर हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को मान लो अपना भी लेते, प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाती, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति में क्या होता है, अत्यधिक खर्चा होता है, क्योंकि हम जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनका निर्वाचन करवाते हैं तो इनमें हमने देखा है कि हजारों करोड़ रुपए इसमें खर्चा आता है। इसके साथ साथ खर्चे के साथ साथ समय और ऊर्जा दोनों ही इसमें लगती है। तो इसलिए अगर हम प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए करते तो खर्चा होता, ऊर्जा और समय का क्या होता, अपव्यय होता है। तो इस कारण की वजह से भी हमने राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया। जब यानी इतना वो करने के बावजूद अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाते, समय भी लगाते, खर्चा भी हो जाता और बाद में हमको बनाना क्या था, राष्ट्रपति को केवल नाम मात्र का प्रधान बनाना था या यूं कह दीजिए कि प्रतीकात्मक प्रमुख ही तो बनाना था। तो इन दो कारणों की वजह से हमने राष्ट्रपति के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को चुना। अब प्रश्न उठता है एक छोटा सा, आपके मन में भी उठा होगा कि अगर राष्ट्रपति का निर्वाचन
केवल संसद के दोनों सदनों से द्वारा ही कर लिया जाता तो संसद के दोनों सदनों यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन केवल संसद के दोनों सदनों को शामिल क्यों नहीं किया गया, यानी राज्य की विधानसभाओं को इसमें क्यों जोड़ा गया। तो विद्यार्थियों आपने देखा है कि संसद में कई बार जो सत्ताधारी दल होता है तो उसको क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में बहुमत की स्थिति में वह होता है। इसलिए अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल संसद के दोनों सदनों को शामिल करते तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुना जाता वो क्या होता, एक दल विशेष के द्वारा, केवल एक दल विशेष के द्वारा चुना जाता। इससे एक तो दलगत राजनीति को प्रोत्साहन मिलता और दूसरा ऐसा राष्ट्रपति केवल उस दल विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला सा लगता, यानी वह संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व ऐसी स्थिति में नहीं कर सकता था। इसलिए हमने देखा कि राष्ट्रपति संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सके इसलिए संसद के दोनों सदनों के साथ हमने राज्यों की विधानसभाओं को भी इसमें शामिल किया है। इसलिए वर्तमान समय में राष्ट्रपति की चुनाव की जो पद्धति है उसमें राष्ट्रपति संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी संघ का भी करता है और राज्यों का भी राष्ट्रपति प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को चुना और दूसरा संसद के दोनों सदनों के साथ में राज्यों की विधानसभाओं को भी इसमें हमने शामिल किया। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, शपथ किस प्रकार से राष्ट्रपति की होती है और राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, यानी यह है राष्ट्रपति और इसकी हम क्या देख रहे हैं योग्यताएं। तो सबसे पहली जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है वह क्या है कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। अब नागरिक से सवाल उठता है कि कोई अगर विदेशी व्यक्ति है वह भी अगर 10 साल तक लगातार, जो भी प्रावधान मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 10 या 15 साल तक लगातार रहने के बाद में भारत की नागरिकता ले सकता है, तो इस तरह से विदेशी व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन गया। तो चूंकि संविधान में केवल यही कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो नागरिक जो व्यक्ति है वो भारत का क्या बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करें तो वहां पर बोर्न सिटीजनशिप की बात है, बोर्न सिटीजनशिप, यानी अमेरिका में राष्ट्रपति के पद का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जिसने अमेरिका में जन्म लिया हो, जबकि हमारे यहाँ केवल नागरिक की बात है कि वह व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी उसकी योग्यता है कि उस व्यक्ति ने 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, कि आयु पूर्ण कर ली हो, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। तीसरा, वह लोकसभा, हाँ वह लोकसभा सदस्य लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो। राष्ट्रपति के लिए है कि वह लोकसभा सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो। और इसी प्रकार से जब हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो उपराष्ट्रपति की यहाँ है कि वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। चौथी योग्यता है कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए, कि संघ सरकार, राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकरण में, चाहे निजी हो या सरकारी हो, उसमें क्या है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पद पर नहीं होना चाहिए। अब अगर हम बात करें सामान्यतः, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार के जो मंत्री हैं वो, और इसी प्रकार से राज्य की सरकारों में जो मंत्री लोग होते हैं, ये सारे पद सामान्यतः क्या हैं, लाभ के पद नहीं माने जाते।
इसी के साथ कौन सा पद लाभ का पद माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, इसका निर्धारण लाभ के पद से संबंधित एक संसद में समिति है उसके द्वारा किया जाता है। लाभ के पद से संबंधित संसदीय समिति के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन सा पद लाभ का पद होगा और कौन सा नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में चार योग्यताएं होनी चाहिए, कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का नामांकन। तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के नामांकन भरने के योग्य हो जाता है, उसके लिए 50 जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनमें 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 ही उसके क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए। तो नामांकन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। दूसरा, राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत की राशि है वो कितनी है, 15,000 रुपये जमानत राशि है। अगर आपने सुना होगा चुनाव में कि उसकी तो जमानत जब्त होगी, तो जमानत कब जब्त होती है, जब कोई उम्मीदवार जो वैध मत होते हैं उनका अगर 1/6 से कम प्राप्त कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। जमानत का मतलब होता है कि जब आप नामांकन दाखिल करते हो तो उस समय जमानत के तौर पर आपको कुछ रुपए जमा करवाने होते हैं, और अगर आप 1/6 से कम मत प्राप्त करते हैं तो वो आपकी जमानत की जो राशि है वो क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है, वो आपको वापस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आपको 1/6 से ज़्यादा मत प्राप्त होते हैं तो वो जमानत की राशि आपको वापस मिल जाती है। और ये प्रावधान, जमानत की राशि का प्रावधान चुनाव में इसलिए किया जाता है ताकि जो गैर गंभीर उम्मीदवार है, नॉन सीरियस कैंडिडेट है, उनको चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सके। अब हम बात करें राष्ट्रपति की शपथ की। शपथ, तो शपथ की बात करें तो हमारे संविधान में जो तीसरी अनुसूची है उसमें विभिन्न जो संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ के प्रतिरूप दिए हुए हैं। तो राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के अनुसार क्या लेगा, तीसरी अनुसूची में उसकी जो शपथ का प्रतिज्ञान है उसके अकॉर्डिंग वह शपथ लेगा, ठीक है। दूसरा, शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या हैं, कंडीशंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। शर्तें, पहली शर्त तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रहा है वह संसद के दोनों सदनों या किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह पहले सदस्य है तो चुनाव के बाद में अपनी सदस्यता त्याग देगा। दूसरी जो शर्त है, जो हमने योग्यताओं में देखी थी, दूसरी शर्त यही है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, न हो। तीसरी शर्त यह है कि राष्ट्रपति को आधिकारिक निवास स्थान मिलेगा। आधिकारिक निवास स्थान का मतलब है कि वह राष्ट्रपति भवन में बैठेगा और उसके लिए उसको कोई किराया भी नहीं देना पड़ेगा। चौथी शर्त है कि राष्ट्रपति को संसद के द्वारा निर्धारित जो विभिन्न उपलब्धियां, भत्ते
और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे संसद द्वारा निर्धारित। क्या प्राप्त होंगे? विभिन्न उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। और पांचवी जो शर्त है वो ये है कि राष्ट्रपति को संसद के द्वारा निर्धारित जो विभिन्न उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त हो रहे हैं तो राष्ट्रपति की पदावधि के दौरान उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी उनमें कमी किसी भी प्रकार से नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पद के लिए पांच शर्तें तय की गई हैं। अगर हम वेतन की बात करें तो 2008 में राष्ट्रपति पद के लिए 1.5 लाख रुपये प्रति महीना कर मुक्त वेतन की व्यवस्था की गई थी। पेंशन की बात करें तो जब 5 साल की कार्य अवधि के बाद राष्ट्रपति अपने पद से हटता है तो उसको अपने वेतन की आधी सैलरी पेंशन के रूप में मिलती है। इसी प्रकार राष्ट्रपति को निःशुल्क आवास, कार, चिकित्सा, टेलीफोन आदि सारी सुविधाएं राष्ट्रपति को निःशुल्क मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कार्यपालिकाओं को स्टार्ट करेंगे, राष्ट्रपति से संबंधित जो अन्य प्रावधान हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।